हेलो फ्रेंड्स, नो बकवास टेक की बात मैं भी क्या आपके साथ। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं एक और आईकिया प्रोडक्ट। जी हां, ये आईकिया प्रोडक्ट है बेड साइड टेबल। तो एक बेड साइड टेबल तो हमारे पास पहले से ही था जिसपे मैं अभी फोन और मॉडेम रखने का काम कर रहा हूं। चलिए आज करेंगे इस डब्बे की अनबॉक्सिंग, करेंगे इस बेड टेबल की असेंबली, इसका रिव्यू, इसके फीचर्स के बारे में बात और इसके बारे में सारी जानकारी जो भी हो सकेगी मैं आपको साझा करूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो यह है हमारा कैनरेविक बेड साइज टेबल आर्टिकल नंबर 4038671.31 और इसकी जो MRP है 799 है और इसे मैंने MRP में ही ख़रीदा है। तो चलिए इस डब्बे को खोलते हैं। डब्बे को खोलने के लिए इसके पैकेज को आपको इस तरीके के इसी तेज चाकू से काटना पड़ेगा। पैकेज के अंदर से हमें मिल जाता है इसका असेंबली इंस्ट्रक्शन। ये देखिए, इसका असेंबली इंस्ट्रक्शन इस तरीके के एक पोस्टर नुमा आकार में दिया हुआ है। इसे इस तरीके से आप खोल सकते हैं। फिर हमें मिलता है इस पैकेट में कुछ एलन कीज एंड स्क्रूज जो कि इसकी असेंबली में काम आएंगे। तो चलिए इस पैकेट को हम खोल लेते हैं और इसके एलन की और स्क्रूज को बाहर निकाल लेते हैं। इस बार मैंने ये प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मंगाए हैं और आईकिया की वेबसाइट से आप हैदराबाद, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा में ऑनलाइन शॉपिंग करके घर बैठे सामान मंगा सकते हैं। आगे इस डब्बे के अंदर से हमें मिलते हैं दो मेटालिक प्लेट्स जो कि प्लास्टिक के कवर में है, तो उन्हें निकाल कर मैं यहाँ साइड में रख देता हूँ। उसके अलावा हमें मिलते हैं चार इसके पैर। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसके जो बार्स हैं वो वेल्डेड नहीं है, इसको सीधा सीट मेटल को बेंड करके बनाया गया है जो कि काफ़ी मजबूत है। चलिए सबसे पहले करते हैं इसकी असेंबली। असेंबली करने के लिए ये दो पैर आपको लेने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेटालिक लेग्स हैं, इसके सबसे नीचे प्लास्टिक की पैडिंग लगी हुई है जो इसको स्लिप होने से बचाती है, इसे घसीटने पे आवाज करने से रोकती है, इत्यादि इत्यादि। असेंबली स्टेप वन में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यह लेग की जो पैडिंग है वो नीचे की तरफ हो। अब आपको किसी भी एक सतह को ऐसा बीच में लगाना है, स्क्रूइंग करनी है इसकी। टोटल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्रूइंग के लिए छिद्र दिया हुआ है और हमारे पास 16 स्क्रूज मिले हुए हैं। तो उन 16 स्क्रूज में से दो स्क्रूज को यहाँ पर पहले टाइट कर देना है और इसी प्रक्रिया को बार बार रिपीट करना है चारों लेग्स को फिट करने के लिए। दिए गए असेंबली इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से पहले हमें चारों लेग्स को लगा देना है बीच वाले सतह के साथ, उसके बाद ऊपर वाली सतह को डालकर उसे भी स्क्रूइंग करनी है। टोटल 8 स्क्रूज ऊपर लगेंगे, 8 स्क्रूज नीचे लगेंगे, लेकिन मैं यहाँ दूसरे तरीके से इसकी असेंबली करने वाला हूँ। पहले मैं यहाँ पे 3 लेग्स को लगा दूंगा इस बीच वाले सरफेस के साथ और उसके बाद मैं उन 3 लेग्स के साथ टॉप सरफेस को भी लगा दूंगा और चौथा लेग सबसे लास्ट में डालूंगा। इस प्रोडक्ट की असेंबली बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। मात्र 16 स्क्रूज को हमें अच्छे से लगाकर टाइट कर देना है। बस इसमें एक चीज़ यह ध्यान रखना है कि जो हमारे लेग्स हैं उसकी जो पैडिंग है प्लास्टिक वाली वो नीचे की तरफ हो। दिए गए स्क्रूज भी काफ़ी छोटे हैं तो उसे काफ़ी सावधानी से आपको लगाना पड़ सकता है। इस प्रकार हम कर सकते हैं इस बेड साइड टेबल की असेंबली। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, इसके मटेरियल के बारे में, इसके डायमेंशंस के बारे में, फिर करेंगे इसका रिव्यू। मेरे हिसाब से यह प्रोडक्ट दो जगह यूजफुल हो सकता है, आपके लिविंग रूम में आपके सोफ़ा के बगल में या फिर आपके बेडरूम में आपके बेड के बगल में। और चूंकि यह मेटालिक है तो काफ़ी मजबूत है और इजी टू मूव है हल्का होने की वजह से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों सेल्फ्स के बीच में हमें प्रैक्टिकल स्पेस मिल जाता है और स्मॉल स्मॉल चीज़ों को उसके अंदर रख सकते हैं। एंड दिस प्रोडक्ट इज़ ओनली सुटेबल फॉर इंडोर यूज़, आउटडोर यूज़ इसका नहीं किया जा सकता। इसके लेग्स और इसके जो सरफेस हैं वो स्टील के बने हुए हैं, सीट मेटल के बने हुए हैं और इसके ऊपर जो है वो पॉलिस्टर पाउडर कोटिंग की हुई है। इसे आप किसी भी भीगे कपड़े से साफ कर सकते हैं या सूखे कपड़े से पोंछ भी सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रोडक्ट डायमेंशन की। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 37 सेंटीमीटर्स की है, डेप्थ 28 सेंटीमीटर्स की है और टोटल हाइट जो है वो 45 सेंटीमीटर्स की है। और इसे अपने दूसरे आईकिया बेड साइड टेबल से कंपेयर किया जाए तो दोनों की हाइट लगभग बराबर है, बस चौड़ाई थोड़ी कम है उससे और यह लकड़ी का है और यह पुरानी वाली बेड साइड टेबल जो है वो पार्टिकल बोर्ड की बनी हुई है। इसकी फिनिश काफ़ी अच्छी है, हल्का है, छोटा सा है। साइज़ तो इसकी काफ़ी छोटी है लेकिन मेटल का बना होने की वजह से इसके साथ हम थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं, कुछ भारी भारी सामान भी रख सकते हैं। तो ओवरऑल ऐसा है कि इट वर्क्स एज एक्सपेक्टेड, अपीयरेंस भी अच्छी है, प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छा ही है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।